हेलो, लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ अवर लेसन, बेस्ट पर्सन इन द टाउन। इस लेसन को वी स्कूल पर हमने बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा है, जैसे कि इस लेसन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चों को जो काइंडनेस होता है वो काइंडनेस और हेल्पफुलनेस जो है, या किसी की तरफ हेल्पफुल कैसे रहा जाए, हर किसी की मदद की जाए, ये चीजें जो है सिखाई गई है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले तो इस लेसन में क्या दिया गया है कि कुछ लोग हैं जो हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, ओके, और कुछ लोग खूबसूरत भी है, बट एक जो बूढ़ी होती है वो गिरी हुई होती है, तो इनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं करता है, बट एक छोटा बच्चा होता है, ओके, वो उसकी मदद करता है। और ये सब लोग जो होते हैं एक हॉल में जा रहे होते हैं, जहां पर एक जो सिटी का जो मेयर था, मेयर जो है उनको बेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर या फिर बेस्ट पर्सन ऑफ द टाउन का अवार्ड देने वाले थे। तो वो जो बूढ़ी थी वो मेयर ही थी, ये मेयर ने वैसे गेटअप करके वहां पर गिरी हुई थी। तो मेयर ने इनको एक तरीके से एग्जामिन किया था इस चीज को लेकर, तो इस तरीके से वो बच्चे को बेस्ट पर्सन ऑफ द टाउन का इनाम मिलता है। तो जो जैसे कि आपने स्टोरी के हिसाब से देखा, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई हमने हमेशा दूसरों की तरफ हेल्पफुल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, इस तरीके से। तो इसको देखते हुए हमने इस लेसन में जो है बच्चों की दो डेवलपमेंट ग्रुप पे और डोमेन्स पे ध्यान दिया है। पहला है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, और सेकंड है सोशियो इमोशनल एंड इथिकल डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ में बच्चों को हमने ये लेसन पढ़ाने के लिए जो है स्टोरी बेस्ड इस पैडागॉजी का इस्तेमाल किया है, ताकि बच्चे इसको प्ले एंड फन बेसिस पे सीख सके। और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि बच्चों को काइंडनेस और दूसरों की तरफ हेल्पफुल होना में सिखाना है, उनके अंदर ये वैल्यूज पैदा करनी है।